गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ी हैं। बिना कोविड जांच रिपोर्ट के आ रहे श्रद्धालुओं को उत्तराखंड सीमा से ही वापस भेजा गया। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को मेला प्रशासन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। महाशिवरात्रि पर भीड़ के चलते देर रात से ही रूट डायवर्जन किया, भारी वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया, सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है, रात से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। तो महाशिवरात्रि के मौके पर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है और कई रूटों को डायवर्जन भी किया गया है। तो जो कोविड-19 की रिपोर्ट लेकर नहीं पहुंचा, उनको वापस कर दिया गया। शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड में प्रवेश मिल पाएगा। आपके हाथ में कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी जाके शाही स्नान की इजाज़त मिलेगी। और देखिए, रूट भी डायवर्जन किया गया और जैसे ही शिवरात्रि का पर्व लगा, वैसे ही रात से ही भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार कहलाया जाता है, तो इस धर्म नगरी में अपने पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालुओं में काफ़ी उहड़ देखी जाती है। और इसी के मद्देनज़र देखिए, खासा भीड़ के इंतज़ाम भी प्रशासन के देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोविड-19 चल रहा है, कोरोना काल के बीच आपको अगर स्नान करना है तो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।